गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 वेबसाइट्स जो आपको जाननी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारी पहली वेबसाइट का नाम है clicksnap.com। इस वेबसाइट पे आप अपनी इमेजेस को सेल कर सकते हो और सेल करके काफी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। अब ये वेबसाइट सभी के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि क्या हमको एक्चुअल में यहाँ पे रेवेन्यू बनता है। तो आप जाके वेबसाइट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। आप जो लोग देखो सीरियस हैं वो काफी अच्छे रेवेन्यू बना रहे हैं, जो लोग सीरियस नहीं है वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप सबको भी, अगर आप सीरियस हो, आप फोटोग्राफी अच्छी करते हो, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो और अपनी इमेजेस को सेल कर सकते हो। अब दोस्तों, हमारी जो दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है kamua.com। इस वेबसाइट की मदद से आप कोई भी वीडियो को डायनेमिकली रिसाइज कर सकते हो। अगर आप एक वीडियोग्राफर हो तो उनके लिए ये जो वेबसाइट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वीडियो को उठाओ, किसी भी फॉर्मेट में उठाओ और उसको यहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है अगर आप सब वीडियोग्राफी में है, तो जरूर इस टूल को यूज़। दोस्तों, हमारी तीसरी वेबसाइट है उसका नाम है contentro.com। इस वेबसाइट की मदद से अपनी राइटिंग को आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हो इंस्टेंटली। जैसे कि आपने ग्रामरली का नाम सुना होगा, ग्रामरली का आप इसको अल्टरनेटिव भी कह सकते हो। बाकी इसके काफ़ी सारे इसमें ऐसे फंक्शंस या फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो आप सब contentro को भी चेक कर सकते हो। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा अभी अपने जो मेरा स्टूडियो है उससे दूर हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास टाइम था तो क्यों ना कंटेंट बनाया जाए। ठीक है, तो आप contentro को भी चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो फोर्थ वेबसाइट है उसका नाम है मॉक मैजिक। इस वेबसाइट की मदद से आप इजीली मॉकअप्स बना सकते हो। मॉकअप्स मतलब जैसे आपको कोई इमेज का कवर चाहिए या फिर ई बुक का कवर चाहिए, आपने कोई देखे होंगे बहुत सारे मॉकअप्स होते हैं, लाइक जो लोग कोर्सेज का बैनर बनाते हैं उसमें बड़ी सी सीडी सा बॉक्स बना होता है उसको मॉकअप्स बोलते हैं। तो उसी तरीके के सारी चीज़ें आप इस जो मॉकअप मैजिक है यहाँ से आप ईजिली बना सकते हो। और बहुत ही मेरे ख्याल से ये टूल आपको फ्रीमियम होता है, फ्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो, और इनका पेड भी होगा तो वो भी आप चेकआउट। दोस्तों, बात करें हमारी फिफ्थ वेबसाइट की, तो हमारी जो फिफ्थ वेबसाइट है उसका नाम है डिजिटल डिफाइन। अब इस वेबसाइट की मदद से आप फ्री में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस निकाल सकते हो, ले सकते हो कोई भी स्किल के जो आपको लगता है कि ये स्किल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल डिफाइन वेबसाइट आप चेकआउट करिए, और कोई भी सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए यहाँ पे आपको ईजिली मिल पाएंगे, जो स्किल जिसमें आपको कुछ सीखना है या फिर कुछ जानना है। दोस्तों, हमारी सिक्स्थ वेबसाइट का नाम है आंसर सोक्रेट्स। ये जैसे एक आपने टूल सुना होगा आंसर द पब्लिक, जिसपे कि आपको पब्लिक क्या क्वेश्चन सर्च कर रही है वो सब मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ये उसका एक अल्टरनेटिव आप कह सकते हो। यहाँ पे जो पब्लिक क्वेश्चंस पूछती है किसी भी फील्ड में, तो आप क्वेश्चंस को अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टूल। तो आंसर सोक्रेट्स पे जाके आप पीपल क्या सर्च कर रहे हैं, किसी क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इजीली मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने वीडियो के लास्ट टूल के बारे में। तो हमारा जो लास्ट वेबसाइट है उसका नाम है #stack। इस वेबसाइट की मदद से अगर आप सब इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे #stack यूज़ करते हो और #stacks का रिसर्च करते हो, तो इस वेबसाइट पे आपको एडवांस #stacks मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे भी #stacks काम करते हैं आजकल। तो आप सब #stacks यहाँ से निकाल सकते हो और यूज़ करिए, काफ़ी सही टूल है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टूल्स थे, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जो आपको जाननी चाहिए थी, जो आपको नहीं पता था। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बताया तो ये कुछ आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में आपने कुछ सीखा जाना, तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हमारी प्लेलिस्ट भी है पॉडकास्ट विद अमित, जिसपे कि हम बहुत सारे जो फेमस और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके साथ वीडियो करते हैं, तो आप जाके उसको भी चेकआउट करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाज़ियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय। लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी मुझे।